फ्रॉड फ्लर्ट ज्ञान देता है पंडित ना खिलाती हूँ उसको ब्रेन ओलंपिक्स ब्रेन ओलंपिक्स सवाल है और मेरे ये तीन सवाल है फ्रेशर्स गैंग के सुपर ज्ञानी से कहाँ है ये मिस्टर वासुदेव शास्त्री जी अहम अत्रास्त्र में एक टक निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल उस पे भारती ये कितना हॉट है एक टक निहारू सदियां गुजारू मैं पल पल उस पे हाँ शास्त्री जी पूछू सवाल जवाब देंगे आप अरे आपका तो सवाल भी मैं हूँ और जवाब भी डू यू थिंक इट्स क्लासी नो 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 इट्स वेरी वेरी मासी राधे नॉक इट ऑफ गाइस योर फर्स्ट क्वेश्चन हिंदी में बोलिए ना ज्यादा प्यारी लगती है आप शास्त्री जी ये अंग्रेजी समझ नहीं आती आइए ना कम ऑन गाइस पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द टॉपर आपके पास ये चार गोलियां हैं दो फीवर की और दो कोल्ड की प्रॉब्लम ये है कि इनका साइज वेट कलर सब एक जैसा है आपको खानी है एक कोल्ड की और एक फीवर की कैसे खाएंगे आप टॉपर साहब दिमाग है तो बताइए अजी हमारे पास तो दिल है चाहिए नॉक इट ऑफ गाइस आंसर द क्वेश्चन पास यही तो उम्मीद थी ना इनसे सेकंड क्वेश्चन देयर आर एट बॉल्स ओ सॉरी यहाँ पे आठ गेंदे हैं एक तीन पांच सात नौ ग्यारह तेरह और पंद्रह इनमें से कोई भी तीन गेंद उठाकर इन खाली गोलों में डाल दीजिए तीनों गेंदों का जोड़ मिलाकर 30 यानी कि 30 होना चाहिए तो बड़ा आसान है 13 11 एक और पांच हो गया 30 चार नहीं तीन गेंदे पंडित जी थ्री ऑड डिजिट्स का ऑड टाइम्स हम कभी इवन हो ही नहीं सकता नॉट पॉसिबल अरे इसका छोड़ना तेरा मेरा तो पॉसिबल हो सकता है ना सिर्फ 2% लोग इसका जवाब दे पाए हैं 2% में तो सिर्फ आप आती आप ही जवाब दे दीजिए ना देखा गाइस कर दिया ये मैंने साबित कि ये टीप टाप के फ्रॉड गिरी करके चीटिंग करके टॉप आया है एक नंबर का चीटर है ये और क्यों ना हो ये मथुरा वृंदावन जैसे छोटे छोटे गांव के जो हिंदी मीडियम स्कूल्स और गुरुकुल का स्टैंडर्ड है ना वो यही हो सकता है जो इनका है कभी सोचा है आपने कि इस बंदे ने टॉप कैसे किया 100 out of 100 हाँ कैसे शास्त्री जी ये गीता पढ़ के मंत्र पढ़ के संस्कृत बोल के ना पंडित बन सकते हैं इंजीनियर नहीं नंदिनी जी आपने अपना तीसरा प्रश्न तो पूछा ही नहीं मगर वो मैं पूछूंगा आपसे अगर मैं संस्कृत बोलता हूं तो मैं प्राचीन हूं अगर हिंदी बोलता हूं तो मेरी कोई वैल्यू नहीं अगर बड़े शहर का हूं तो बहुत क्लास है भाई अगर छोटे शहर से हूं तो ब्लडी प्रिमिटिव शुड वी बी डिस्कसिंग दिस इन IITs एज ट्रू IITs वी शुड बी डिस्कसिंग ओनली अबाउट इनोवेशन लाइक रोबोटिक आई थियोरी फॉर द ब्लाइंड बायोनिक्स क्वांटम मैकेनिक्स स्ट्रिंग थ्योरी इन सब के ट्रेसेस आपको वेदों में मिलेंगे पर आपको फुर्सत कहाँ है भाई आप तो बस अपनी टेक्स्ट बुक्स में घिरी हुई हैं और वेद पढ़ के तो आप पंडित बनेंगी इंजीनियर नहीं बन सकती अरे भाई आप उन वेदों की बात कर रही हैं जिनकी नींव विज्ञान है और उस संस्कृत की बात कर रही हैं जो पूरी तरीके से वैज्ञानिक है जिसके 1200 स्कूल और 14 यूनिवर्सिटीज अकेले जर्मनी में जिसे हम सब इंजीनियर्स यहाँ पे इंजीनियरिंग हब मानते हैं यार और आप उसे कहती है प्राचीन प्रिमिटिव फादर ऑफ एटम बॉम्ब रॉबर्ट जे ओपेनहाइमर ने कहा था अपने फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट साइट ट्रिनिटी न्यू मेक्सिको डेट थी 16 जुलाई 1945 इफ द रेडियंस ऑफ 1000 सन्स वर टू बर्स्ट एट वंस इनटू द स्काई इट वुड बी लाइक द स्प्लेंडर ऑफ द माइटी वन एंड नाउ आई बिकम डेथ
द डिस्ट्रॉय ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। यही बात संस्कृत में बोलूं? कालोश्मी लोका, अरे फायदा ही नहीं, पल्ले ही ना पड़ेगी तो है। संस्कृत के जिस श्लोक से रॉबर्ट जी प्रभावित थे ना, वो भगवत गीता का था। और भगवत गीता जिसने कही थी ना, वो भी मथुरा वृंदावन के गुरुकुल से ही था। दुनिया उन्हें श्री कृष्ण के नाम से जानती है और हम ब्रजवासी उन्हें प्यार से कान्हा कहते हैं। अरे भाई, प्रिमिटिव है तो है, प्राचीन है तो है, पर गर्व है हम अपनी प्राचीनता पर। हाँ, आपके सेटिस्फैक्शन के लिए ये आपके व्हाट्सएप के सवालों का जवाब दे देता हूँ। ये चारों पिल्स को आधा आधा तोड़ के खा लूंगा, हो गई एक फीवर की एक कोल्ड की। और ये पहली गेंद, दूसरी गेंद और ये तीसरी, उल्टी कर दी, हो गया 30। काउंट कर लो, मैथ तो आता होगा। एक्चुअली ये ब्रेन ओलंपिक खेल ही नहीं रही थी, असल में आप खेल रही थी हार्ट ओलंपिक। अरे कोई नहीं नंदिनी जी, देता हूँ आपको 60 मिनट, कर लो दिल की, शायद मुझे भी प्यार हो जाए आपसे। शट अप।